बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। विलेज रूट चैनल पे तमाम दोस्तों को हम खुश आमदीद कहेंगे। नए वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चलो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आज का व्लॉग यह है कि कल बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी और हमारा मोटरसाइकिल कल बारिश में हो गया था ख़राब। तो हम सबसे पहले अपना मोटरसाइकिल, आज मौसम थोड़ा सा भी साफ लग रहा है और धूप है, तो हम सोचे चलो आज जाके मोटरसाइकिल सेट कराते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं जैन ऑटो वर्कशॉप पर, गवर्नमेंट हाई रोड पर। तो ये कल मैंने जुगाड़ लगाया था, तो वैसे प्लग में पानी चला जाता था और ये शॉर्ट हो जाता था, स्टार्ट करना था। मैंने इस पर इलेक्ट्रिक टेप लपेट दी थी, जिसकी वजह से ये अभी काम कर रहा था। तो मैं पहुंच चुका हूँ जैन ऑटो शॉप वर्कशॉप पे। तो ये हम प्लग और प्लग के ऊपर वाला कवर अब चेंज कराते हैं। तो हमारा मोटरसाइकिल कल हो गया था ख़राब, बहुत मुश्किल की है, अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी हमने गुजारा किया और बाद को मैं ले आया था बाजार ट्यूशन, सॉरी कल शाम को वापस आया था। पिछले प्लग में आप देख सकते हैं, तो ये भाई जान प्लग तो उन्होंने लगा दिया है और ये प्लग की कैप लगा रहे हैं और साफ़ करके लगा रहे हैं। तो ये लगा के अभी स्टार्ट करेंगे और ये अभी हमारा मोटरसाइकिल हो गया है ठीक। तो हम वापस जा रहे हैं और ये मौसम अभी भी ख़राब हो रहा है और बादल आ रहे हैं। तो हम जल्दी जल्दी वापस काम की तरफ जाएंगे और ये देखें कितनी प्यारी बेल लगी है और मौसम कितना प्यारा है। और ये गवर्नमेंट हाई रोड है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। तो ये देखें, तो हम अभी वापस जा रहे थे तो सोचो चो आपको थोड़ा सा इसका व्यू भी दिखाते हैं। तो वापस हम एजेंसी पे पहुंच चुके हैं, होलसेल डीलिंग वाली पे। वहाँ से 4000 में लेंगे बोतलें पेप्सी की, और ये 1.5 लीटर पेप्सी की बोतलें, और ये हमें 1000 में 8 मिली हैं। एक पैड में 6 होती हैं और 6760 के मिला है, और बाकी दो ऊपर से मिली और हमें 1000 में मिली हैं। तो ये भाई जान इसको बांध रहा है, मेरे ख्याल बांधने के तरीके तो नहीं होता, सिर्फ बांध दिया। तो ये हमने बांध लिया, इन दोनों को बांध कर भी मौसम ख़राब हो गया। जब देखें कीचड़ खड़ा और पानी, तो हम वापस जल्दी जल्दी जाएंगे और जाके उधर भी जाना और पेट्रोल भी डलवाना है, तो वो लाजमी होता है। तो हम अभी वापस आ चुके हैं, तो हम अभी वापस पहुंच चुके हैं जी। एक जगह है अंडरपास, अंडरपास के साथ एक नया पंप, पहले पुराना होता था एक, उसकी जगह उन्होंने अभी किसी ने भेज दिया, तो वो ये एक नया PSO का पंप बनना है। तो हम इधर से पेट्रोल डलवाएंगे। ये देखिए कीचड़ा, मौसम अभी भी ख़राब हो चुका है, तो हम इधर से पेट्रोल डलवाएंगे। तो हम सबसे पहले टैंकी का ढक्कन खोलेंगे और ढक्कन खोलने के बाद ये बिल्कुल खाली चेक किया, 1000 का डाल दे भैया। तो 1000 का डालते हैं, 5-4 दिन काट कम हो जाता है। तो हम अभी घर वापस चले जाते हैं और घर जाके हमारे चूजे भी भूखे हैं, तो हम इनके ऊपर से हमने ये घर बनाया था। तो ये ऊपर से हमने कपास रखी थी ताकि ये खुश रहें और ये साफ़ सुथरे रहें और ये इन सर्दी ना लगे। तो ये देखें माशाल्लाह से देख सकते हैं आप, तो ये शाश बिशाश हैं। अभी ये बाजरा खाते हैं और पानी भी पीते हैं, तो ये देखें माशाल्लाह। तो हमारे तो अभी तो बच्चे हुए हैं और हमने टोकरी में इनको, ये मैंने उनका घर बनाया, तो अभी इनको नीचे रखते हैं और ये थोड़े से चहलकदमी करेंगे और इनको बाजरा डालेंगे हम लोग। तो उनको बाजरा तो लाजमी डालना है क्योंकि ये बाजरे के बगैर तो ज़िंदा रह नहीं सकती, और ये बड़े कीमती चूजे हैं, तो ये कुछ हो गया तर बाद मुझे मारेगा, तो लाजमी है, ये देख सकते हैं आप। तो हम इनको बाजरा डाल रहे हैं और बाजरे जी खा रहे हैं। तो अभी तक तो ये ठीक चल रहे हैं और ये मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है, तो हम जल्दी जल्दी इनको बाजरा वगैरह खिलाते हैं और खिला के इनको अपने घर में रख देते हैं और ऊपर से कपास रख देते हैं ताकि ये बीमार ना हो। तो ये हमारी बेर है, मैं बाहर जा रहा था जिस पर माशाल्लाह से बड़े प्यारे प्यारे और खूबसूरत खूबसूरत बेर रखे हुए थे, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाता हूँ। तो ये बेरों से लदी हुई है, तो हम बचपन में बहुत ज़्यादा खाते थे, यानी कि जब हम छोटे बहुत ज़्यादा होते थे तो हमने बहुत ज़्यादा खाया ये बेर। तो ये मौसम बहुत ख़राब हो चुका है और ये देखें बादल बहुत तेज़ आ रहे हैं, तो ये असर का तकरीबन टाइम है। तो ये देखें ये मशरक वाली साइड है, तो मगरब वाली साइड पर हल्के हल्के बादल हैं। तो ये देखें तो माशाल्लाह से बादल भी आ चुके हैं और बरान रहमत थोड़ी थोड़ी आ रही है और ये बहुत घने बादल हैं। तो अल्लाह खैर करेगा कि अल्लाह, तो ये देखें अभी धूप भी निकल आई है और ये बादल भी हैं और हल्की हल्की बारिश भी आ रही है, तो रब ज़ात के देखने को करिश्मा है। तो हम अभी बाहर जाएंगे और बाहर में जाके देखते हैं कि बारिश तेज़, तो अभी ये बारिश बहुत तेज़ हो रही है जी, आप देख सकते हैं कि बारिश अभी आ रही है। ये देखें तो बादल मशरक़ की तरफ बादल हैं और मगरिब की तरफ सूरज अभी निकला हुआ है। तो ये देखें तो ये बादल हैं और दूसरी तरफ सूरज भी है, और सूरज आप देख सकते हैं, और ये बारिश बहुत तेज़ आ रही है और हम इधर व्लॉगिंग कर रहे हैं।
ये हमारे चन्ने और चन्नों पे बारिश आ रही है, ये देखिए माशाल्लाह से। तो ये रब ज़ात की कुदरत है और करिश्मे है कि ये देखें कि सूरज भी निकला हुआ है और सूरज में बारिश आ रही है, ये बहुत तेज़ बारिश हो चुकी है। तो ये जो खाली जगह नज़र आ रही है जहाँ पे प्याज लगे हुए हैं वो सामने हमारे चन्ने, और यह भी बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है, ये देखें बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है। तो ये बहुत तेज़ है बारिश हो चुकी है, हम अभी घर वापस जाते हैं। उम्मीद करते हैं आज के ब्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा, कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आज के ब्लॉग हमारे आपको कैसा लगा। तो नए ब्लॉग तक हमको इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।